Hello, everyone. I hope I am audible and uh, visible properly. I guess I am audible and properly visible. यस हेलो चिराग हेलो एवरीवन हेलो शुभी शुभी ओके सो हेलो 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 आई गेस एवरीबॉडी कैन सी मी एवरीबॉडी कैन लिसन टू मी सो मैं सुनाई भी दे रहा हूँ दिखाई भी दे रहा हूँ हेलो मिस्टी राइट ओके सो अपना पिछला सेशन खत्म हुआ था मुगल्स पे एंड मुगल्स पे खत्म होने के बाद अपन ने अब बात की थी कि अपन मॉडर्न हिस्ट्री पे बात करने वाले हैं अपन ने सीधे तौर पे ये बात की थी कि भैया जब भी कोई बड़ा एम्पायर क्रैश होता है या गिरता है, है ना तो उसके कारण बहुत सारे रीजनल स्टेट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं राइज हो जाते हैं रीजनल स्टेट राइज होंगे फिर कोई ना कोई ऐसा छोटा स्टेट होगा जो अच्छी लीडरशिप अच्छी कमांडर के थ्रू बाकी जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनको क्या करेगा यूनाइट करेगा और अपने उसमें एम्पायर में मिला लेगा अपन ने बात करी थी राइट right? एंड उसी पे अपन अपन क्या करने 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 वाले वाले हैं, हैं, आगे बात तो उसको स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा चीज़ें वो कर लेते हैं सो so, मेरा नाम शुभम है एंड आई एम से पांच साल मैंने लॉ एंड जुडिशरी के साथ काटे हैं राइट एंड आई एम आई वॉज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लेटर ऑन शिफ्टेड टू कम्युनिकेशन एंड दिस इज इम्पोटेंट फॉर यू गाइज की भैया ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जुडिशरी वर्ल्ड का जिसको आपको ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं सेशन इंफॉर्मेशन जो भी ऑफर्स आते हैं जो भी नोट्स होते हैं पीडीएफ वगैरह होती हैं एंड दूसरी चीजें और यह है मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप जिसपे मैं अपने सेशन के पीडीएफ पीपीडीज एंड अपने जो क्लासेस के नोट दूसरी चीजें होती हैं वो अपलोड करता हूँ तो इन दोनों को जल्द से जल्द ज्वाइन करें मूविंग ऑन हमारा साथ ही मैच ऑलरेडी स्टार्टेड है तो अगर अभी तक आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें क्योंकि ये जरूरी है कि आप हमारे साथ प्रॉपर प्रिपरेशन में जुटे रहें साल भर के इस बैच में मैं मेरी टीम जिसमें होंगे कौन कौन अजिता मैम होंगी शुभम उपाध्याय सर होंगे देवाशीष सर होंगे ये साल भर में प्रॉपर पूरा फाउंडेशन जुडिशरी का क्रिएट करके आपको देंगे जिससे आपका एग्जाम बेहतर हो और साथ, -साथ आप अपने प्रिपरेशन और दूसरी चीजों को अच्छा कर पाए सो आइकॉनिक का हमारा सब्सक्रिप्शन लाइव है

अलग अलग मंथली एम है हैं जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड इफ कोड, कोड बी डी टेन तब आपको दस परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और अगर आप आज करते हैं तो आज आपको दस परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है आज तक तो जरूर करें एंड आगे बढ़ते हैं दीज आर आर टेस्ट दैट कंडक्टेड इन प्लेटफॉर्म आपको हर दिन टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है मेजर सब्जेक्ट से दूसरी चीजों का तो उसको वो नहीं करें भूलें नहीं मेक sure टेस्ट जो होते हैं वो आपके प्रिपरेशन का सबसे पार्ट होते हैं तो उसको उसी तरीके से ये, ये बोला था जो सेक्शन अपना अच्छा है तो उसको कम कर दे तो नहीं कम नहीं करते उसको उतनी ही मेहनत करते बाकी टाइम बढ़ाते हैं ठीक है और डेली टेस्ट वो करें तो आज का हमारा टॉपिक है जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है राइट उस उसपे हम डिस्कस करने वाले हैं आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में अपन ने मिडाइव पीरियड कंप्लीट किया था ओके सो हेलो परिधि हेलो प्रांजल हेलो बेटा हेलो 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 एवरीवन सो मेरी तरफ से जो चीजें आपके लिए इंस्ट्रक्टेड थी विच विस लाइक माय होमवर्क जो मैं आपको देता हूं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स मेकिंग है ना सो so, अगर आप में से किसी ने अब तक अपने नोट्स अपडेट नहीं किए हैं कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं कल मुझे टेलीग्राम पे एक पर्सनल मैसेज आया जिसमें मुझे ये बोला गया कि सर जितना आप उसमें अपने नोट्स में जो आपकी जो आपकी पीपीटीज हैं आप डाल रहे हैं ग्रुप में दैट इज इनफ मैं आपसे वही कहूंगा जो मैं पहले भी दोहरा चुका हूं कि मैं किसी भी लेवल पे ये नहीं कह सकता कि दैट्स इनफ क्योंकि जनरल स्टडीज का सिलेबस बहुत वास्ट है वो किसी से भी कुछ भी क्या कर सकते हैं एसोसिएट कर सकते हैं पूछ सकते हैं आप उनको रोक नहीं सकते सो मेक श्योर कि आपके पास जो भी बुक है बुक्स को भी उठाए मेरे भी कंटेंट को उठाए और फिर अपने नोट्स अपडेट करें है ना सिर्फ मेरे कंटेंट पे नोट्स अपडेट करना ये आपके लिए एक गलती है क्योंकि मैं जितना पढ़ा रहा हूं मैं एनालिसिस करके बता रहा हूं कि ये ये क्वेश्चन ये इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं इस टाइप के पर्टिकुलर जो पॉइंट है उसको लिखना पड़ता है दैट मीन की वो वापस उनको रिपीट कर देंगे कुछ अपन नया एड करते हैं उसमें लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि सारा एड है सो so, कोशिश करें कि नोट्स प्रॉपरली अपडेट करें और अगर अभी तक अपडेट नहीं किया है तो आई विश कि मैं आपको ऑनलाइन या डिजिटली uh, कह सकता था कि गेट आउट ऑफ माय क्लास राइट बट ऐसा नहीं हो पा रहा है तो मैं कहूँ कहूंगा कि जो भी चीज़ें हैं आप थोड़ा सा शांति से वो करें ना वी आर इन टू मॉडर्न हिस्ट्री अपनी पिछली क्लास में बात हुई थी कुछ लोग सिक्सटीन से स्टार्टिंग मानते हैं कुछ लोग मुगल्स के डोमिनेट डोमिनेंस खत्म होने के बाद मानते हैं कुछ लोग कुछ करते हैं हम दोनों को मिक्स करके करेंगे क्योंकि दोनों चीजें जो है वो साथ साथ चलेंगी सो सबसे पहले यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज समझने वाले हैं कि मुगल सब कमजोर हो रहे हैं चाचा औरंगजेब जो है वो जा चुके हैं बाकी उनके जब चाचा भतीजे हैं वो बहुत ज्यादा क्या नहीं है अच्छे रूलर या अच्छे पर्टिकुलर कमांडर्स नहीं है तो ब्रिटिशर्स को फ्रेंच को डचस को यूरोपियंस को इनको बहुत सारा क्या मिलने वाला है मौका मिलने वाला है जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल सेटअप है उसमें घुसने का बहुत सारी रीजनल स्टेट इस पर्टिकुलर वाइड का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश करेंगे और इसी दौरान दो पैरल लाइन लाइन चलती हैं एक यूरोपियंस की चलती है एक इंडियन स्टेट्स की चलती है तो इन दोनों को समझ के रखेंगे कि ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं और वही अब आज हाँ, आज के उसमें सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सो तो शुरू करते हैं आज का सेशन सो तो सबसे पहला जो टाइम पीरियड आता है वो आता है लेटर मुगल सिंपल सी बात बोलूं तो लेटर मुगल का सीधा मतलब भैया औरंगजेब के जाने के बाद के मुगल को आप क्या कर रहे थे

उसकी डेथ हुई है तो उसके बाद कौन आया है ये बनता है कि उसने ही खराब किया है तो उसका नाम याद करके रखेंगे है ना नादिर शाह जो है नादिर शाह कली या कुली जो है वो इसी पर्टिकुलर टाइम पे मोहम्मद शाह के टाइम पे जो रोस्तम खान है और के बीच में आया था और उसी ने जो शाहजहां का थ्रोन था है ना और जो कोहिनूर हीरा था वो यहां से लेके गया था अब यहाँ पे ये मत चालू हो जाना कि हम ब्रिटिशर्स से कब लाएंगे उनसे कब लाएंगे उनसे कब लाएंगे और हिंदो याद रखो कि कौन लेके गया था दैट वॉज दिस है ना और फिर उसके बाद की कहानी आती है किसका अहमद शाह का है ना ये जो पीरियड है 48 से 54 के बीच में वो अब्दाली का भी पीरियड माना जाता है अकबर शाह टू राइट ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको अकबर टू एंड अकबर शाह टू राइट ये दोनों बुलाया जाता है इनका नाम इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि आज जब हम सोशो रिलीजियस मूवमेंट पढ़ेंगे तब हम फाउंडर फादर ऑफ मॉडर्न सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे जो है राजा राम मोहन रॉय इनका नाम राम मोहन रॉय था इन्हें टाइटल उपाधि दी गई थी राजा की किसके द्वारा अकबर टू के द्वारा किसके थ्रू अकबर टू के थ्रू दी गई थी राइट right? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है पूछा भी एमपी पी सीजे ने कि भैया राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि राम मोहन रॉय रा बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर बहादुर शाह टू जो है वो 1837 से 1862 के बीच में थे इनको लास्ट मुगल कहना या लास्ट मुगल मुगल कहना या बादशाह कहना जो है वो बनता है क्योंकि 1857 के टाइम पे जितने भी रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने उन, उन, उनको बादशाह घोषित कर दिया था और बादशाह घोषित करने के बाद जब रिवोल्ट खत्म हुआ और रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं रहा तो इन्हें रंगून में सजा दी गई बाद में इनका वहां पर देहांत हो जाता उसके बाद मुगल एम्पायर जो है वो right? so, द्वारा तो फिर इनको वो किया गया उसके बाद इन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद इन्हें एटीन फिफ्टी नाइन में रंगून यानी आज का जो बर्मा का वो है एरिया है वहां पर भेज दिया गया था जहां सिक्सटी टू में क्या हो गया था उनका डेथ हो गया राइट right?

तो ये जो पॉइंट है ये डेफिनेटली याद रखेंगे बहादुर शाह जफर जो है वो किसके दोस्त थे गालिब के दोस्त थे राइट right? यहाँ पे ये देखो चीजें लिखी भी हैं कि बहादुर शाह टू बहादुर शाह जफर जफर मींस गिफ्टेड पोएट मतलब जो जफर उनका टाइटल था उसका मतलब है कि ये गिफ्टेड पोएट थे सो so यहां मुगल कालीन कहानी जो है वो खत्म होती है जब मुगल धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं मतलब रीजनल स्टेट्स आगे यूरोपियंस उन्हीं के साथ साथ दौड़ के उन्हीं के बीच की लड़ाइयों का फायदा उठाएंगे ठीक है राइट right? अब उस पर जाएंगे अपन सो so, uh, मिस्टी कहना लेटर मुगल मॉडर्न uh, में ही आते हैं सर बेटा हम पढ़ते मॉडर्न हिस्ट्री में ही है क्योंकि यहां मैंने क्या बताया था कि एंशियट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री या मेडाइवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्टिंग हम तब मानते हैं जब किसी मेजर सेटअप में चेंज हो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चरल सेटअप की जब इस्लामिक रूल आया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तब तो अपन ने उसको मेडाइवल हिस्ट्री कह दिया जब अपने को नया वाला आया ब्रिटिशर्स का यूरोपियंस का तो अपन ने उसे मॉडर्न हिस्ट्री कह दिया इसलिए अपन इसको यहाँ पे पढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के बाद वही कहानी है कि भैया बताओ रीजनल स्टेट्स कौन कौन है जो स्ट्रांग होंगे तो सबसे पहले आएगा मराठास क्या आएगा मराठा है ना तो शिवाजी शिवाजी के बाद कुछ एक राजा फिर छत्रपति फिर उसके बाद बारी आती है किसकी शाहू जी की और शाहू जी के बाद कुछ पेशवास राइट तो अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं जिनका किसी न किसी चीज से एसोसिएशन है और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट वो हो जाते हैं जिनका हिस्ट्री में राइट right, एमपी से रिलेटेड कुछ एसोसिएशन जैसे स्पेशली अकबर के टाइम का बाज बहादुर का जो कुछ है मैंने आपको जानबूझ करके दो बार सुनाया है फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अकबर का एसोसिएशन मध्य प्रदेश के लैंड में उस टाइम पे बाज बहादुर और रानी दुर्गावती के थ्रू था तो ये क्वेश्चन पूछा जाना बड़ा अच्छा बनता है क्योंकि आप एमपी सीधे दे रहे हो

तो यहाँ पे कुछ पेशवास जो है उनके बारे में लिखा हुआ है कुछ वॉर्ड के बारे में लिखा हुआ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है राइट right? जिसमें सबसे पहला कौन सा है बालाजी विश्वनाथ बाजी राव या बालाजी विश्वनाथ बा, बालाजी विश्वनाथ बाजीराव बाजी बालाजी बाजीराव एंड माधव राव तो ये चार सबसे स्ट्रांग पेशवा थे जिन्होंने रूल किया हुआ है और फिर बाजीराव की कहानी तो आपको पता ही है कि भैया वो एक ऐसा पर्टिकुलर वॉरियर था जो इंडिया ने बहुत दिनों बाद देखा था एक बहुत ही सुप्रीम आर्मी कमांडर थे उन्होंने शायद अपने जीवन काल में कभी कोई भी युद्ध या या वॉर बैटल जो है वो हारी नहीं थी सदन हो नॉर्दर्न हो सेंट्रल इंडिया हो सब जगह मराठा एम्पायर का झंडा लगाने में उन्होंने क्या किया था हेल्प की थी राइट तो ये थे उनके कुछ पेशवा फिर वही बाजीराव पॉपुलर जैसा हिंदू पद पद्मशाही बालाजी बाजीड विधव राव वर्सेज रघुनाथ राव जो इंग्लिश कंपनी के सपोर्ट से हुआ था इंग्लिश कंपनी को बोलने क्योंकि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी एट के बाद क्या हो जाएगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ब्रिटिश काउन के रूल में

राइटे right. okay. आगे बढ़ते हैं ये के, अच्छा रीजनल स्टेट्स इसके पीछे का रीजन है कि वो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली इंपॉर्टेंट नहीं होते के से भी नहीं आए अभी तक बहुत अच्छे है ना और एमपी से बहुत ज्यादा एसोसिएशन नहीं है तो उसके आने के चांसेस भी कम होते हैं अपन आते हैं पॉइंट भक्ति मूवमेंट में ओके सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब uh, वो पीरियड था किसका uh, uh, सुल्तानों का सल्तनत पीरियड फिर जब बादशाहों का पीरियड आया तो उस टाइम पे धार्मिक अव्यवस्था ये शब्द जो है वो हिस्टोरियंस यूज करते हैं अच्छे हिस्टोरियंस यूज करते हैं कि सोसाइटी में जो इरेगुलरिटीज uh, थी रिलीजन को लेके कभी कोई बादशाह के अपने धर्म को ज्यादा प्रमोट करता कभी कोई सुल्तान आगे करता तो पैरेलली

उनको बुलाया जाता था बट नाम सीधा सीधा क्वेश्चन के ऑप्शन में अलवर संत आता है फिर कई शंकराचार्य जो है वो स्टैटिक वाले पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी सीजे में पूछो क्यों क्योंकि भैया एमपी में कुछ मूर्ति बन रही है हमें ऐसा सुनने में आया तो वो क्या करोगे आप वो आपका होमवर्क है करंट अफेयर्स वाला पार्ट है थोड़ा सा देखो कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या अगर हो रहा है तो कहाँ हो रहा है कैसा हो रहा है सरकार की तरफ से या हमारे जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान वो क्या कह रहे हैं इनके बारे में थोड़ा सा आप अपने नोट्स में अपडेट करें राइट ये आज का पहला होमवर्क है दूसरे होमवर्क में आते हैं नॉर्थ इंडिया जो है वो मेनली दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था या दो पंथों में डिवाइड हो गया था एक कहलाता था सगुण एक कहलाता था निर्गुण भक्ति धारा है ना एक होता था सगुण भक्ति धारा एक होता था निर्गुण भक्ति धारा भक्ति धारा का मतलब कि आपको भगवान की पिक्चर पता भगवान की मूर्ति पता निर्गुण भक्ति धारा वाले कहते थे कि भगवान को किसी मूर्ति किसी पूजा की पेंटिंग है उसमें देखने का मतलब है भगवान नहीं भगवान हर जगह पे सभी लोगों पे व्याप्त है तो ये दो मेजर सेक्ट थे राइट ओ, हेलो, हेलो आ, शिवानी तो उसके अलग अलग वो थे आ, राइट अलग अलग क्या कहना चाहिए लीडर्स uh, थे जैसे इसमें दिया हुआ है रामानंद जो प्रयाग में थे वैष्णविज्म या वैष्णव धर्म को धर्म को क्या करते थे प्रमोट करते थे सेक्ट को प्रमोट करते थे राइट right? कबीर जो थे है ना ये निर्गुण भक्ति धारा के लीडर माने जाते थे और ये जो है कबीर जो इनको फॉलोअर्स होते थे वो कबीरपंथी कहलाते हैं कबीर मेरे पर्सनल फेवरेट भी हैं इन्हें मॉडर्न फिलोसोफर्स में से एक माना जाता है ये ऐसे पहले इंसान होंगे जिन्होंने धार्मिक आडंबर पे भर भर के कटाक्ष किए हैं भर भर के चीजें बोली सो so, ये एक बेहतर इंसान थे बहुत अच्छे संत माने जाते हैं और इनकी किताब एम पी सी जी पहले पूछ चुका so, है तो कबीर ने कभी कोई किताब नहीं लिखी है लेकिन कबीर के जो शिष्य थे उन्होंने उनकी टीचिंग्स उनकी बोली गई बातों को एक किताब में कंपाइल कर दिया जिसका नाम था बीजक क्या नाम था बीजक तो कभी क्वेश्चन आए कि कबीर की किताब कौन सी ऑप्शन बीजक देखे तो बिंदास बीजक लगा देना और वही जो है आंसर भी है और कई एग्जाम्स हैं यूपीएससी से लेके बड़े बड़े एग्जाम जिन्होंने ये जिन्होंनेट नेम right? है, uh, है क्योंकि ये uh, चित्तौड़ की पर्टिकुलर उससे डायनेस्टी से और राजपुताना डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं और uh, मीरा के तो अपने ही राइटिंग वर्क एंड दूसरी चीजें नेक्स्ट लेवल थी बिज भाषा में और राजस्थानी में इनकी राइटिंग थी और आज भी उनके जो लिखे गए भजन और उनके जो गाए गए भजन थे वो आज भी फेमस है तो उनका नाम ध्यान रखेंगे मीराबाई के बाद बात करते हैं कुछ और लोगों की जैसे आ, क्या देव, नाम है ज्ञान देव नामदेव एक नाथ तुकाराम समर्थ रामदास ऐसे कई पर्टिकुलर लीडर्स हैं जिन्होंने हिंदू सेक्ट को या उनके जो डिफरेंट सेक्ट होते हैं आइडियोलॉजीज उनको भी क्या किया प्रमोट किया कुछ राजाओं को मराठों को इनको भी उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी दूसरी चीज़ें करी फिर अलग अलग उसमें दिया हुआ है कि भैया ये इन्होंने ये प्रमोट किया इन्होंने ये पोइटम लिखी इन्होंने ये पोएम लिखी ये सारी चीज़ें तुम नोट कर लेना अपन वो नहीं करेंगे फिर प्रांजल क्या कह, कहना है कि नानक साहब भी थे बिल्कुल नानक साहब भी थे नानक साहब का सेक भी अपने आप में एक बहुत ही निराला था और अनडाउटली जो पूरे के पूरे दस गुरु हैं दस ही गुरु हैं कि दस से ज्यादा गुरु हैं उसमें उस में अफेयर्स में आता रहता है ना अभी कुछ साल पहले एक दो साल पहले ही हमने पांच सौ जयंती मनाई है नानक साहब की और फिर करतारपुर साहब वाला केस है और फिर कुछ दूसरी चीजें भी होती हैं तो मेक श्योर कि थोड़ा सा इनके बारे में वो करके रखेंगे इनका बर्थ कहाँ हुआ क्या कहा हुआ किसके समकालीन थे क्या कैसी कहानी थी किसके कंटेम्प्रेरी थे थोड़ा सा अपडेट कर लेना ये आपका दूसरा होमवर्क है फिर मॉडर्न इंडिया यहां से शुरू होता है अब अपना तो सिस्टम जो है वो अपने जो हिंदू वो थे क्या कहते हैं जी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो स्थापित धर्म थे और जो नए आने वाले रिलीजन थे उनके बीच की अव्यवस्था थी लेकिन कुछ जो है पुराना बहुत सालों से चला आ रहा वाला केस जो था वो यूरोप और जो मध्य एशिया जो है वहां से चल रहा था तो भैया यही हुआ जिस एरिया से इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट और यूरोपियंस के बीच में व्यापार या ट्रेड होता था वो कुछ दिनों के लिए दूसरे के पास चला गया तब अब बोला बोला अच्छा तो तुम इंडिया के साथ ट्रेड करके बहुत फायदा कमाते हो और हमारे धर्म को पोस्ट करते हम तुम्हें नहीं आने देंगे नया रास्ता ढूंढो तो फिर भैया एक पर्टिकुलर बंदा आया जो रास्ता ढूंढने के चक्कर में पहले उसने अमेरिका ढूंढ लिया फिर दूसरा एक बंदा आया जिसने रास्ता भी ढूंढा और काफी प्रॉफिट भी कमाया नाम था उसका क्या वास्को डिगामा क्या नाम था वास्को डिगामा कहा गया उसका नाम ओ, नहीं आया चलो कोई बात नहीं वास्को डिगामा 1498 में काली या कालीकट पहुंचा केरला वाले इस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट में और वो आया मसाले लेके गया भैया खूब सारा प्रॉफिट कमाया नया रूट रूट भी भी खोज लिया अब ये लंबा रूट होने के बाद प्रॉफिट बहुत सारा था तो बाकी यूरोपियंस उसके पीछे पीछे आ गए पॉर्चुगेज सबसे पहले थे फिर धीरे धीरे गए कि दूसरे आए उन्होंने भी बिजनेस एंड दूसरी चीजें जो है वो सारी चीजें करना शुरू किया है ना और ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है द ब्लू वाटर पॉलिसी है ना जो एलमीडा था जो पोर्टुगीज का पहला गवर्नर जनरल था राइट उसने क्या किया ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अपने सी रूट डोमिनेंस डोमिनेंस एंड ट्रेड के लिए क्या किया 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 अलाउ अप्लाई था उसका नाम पूछा जा चुका है उसे वापस याद कर लेना अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है फिर धीरे धीरे कि उन्होंने अपना एक्सपांशन शुरू किया उन्होंने अलग अलग चीजें प्रोडक्ट्स जो है इन्वॉल्व कराए जैसे कैश्यू कोकोनट और दूसरी चीजें जो है और अकबर के कोर्ट में भाई ने तबैक्को भी क्या कर दी वो कर दी इन्वॉल्व करा दी कि भैया ऐसा देखो ये टबाको भी है ऐसा ऐसा कहानी जो है होती है होती के टाइम पे आधी जनता जो है अपने एरिया में क्या कर रही है समझ रहे हो ना right. so, sure चीजों से दूर रहें आगे बनी राइट ये धीरे धीरे करके आना शुरू हुए आने के बाद इन कुछ जगहों पर फैक्ट्रीज लगाए जैसे मुस्लिम पुट्टम पे क्या लगाई

ये वही लोग हैं है ना जो आए हैं दुकान खोलने के लिए ये आएंगे हमारे बादशाह से कहेंगे कि बादशाह हमें दुकान खोलने की जगह दे दो फिर ये दुकान खोलेंगे दुकान खोलने के बाद हमारे मार्केट को समझेंगे मार्केट को समझने के बाद एक फैक्ट्री लगाएंगे जिसमें ज्यादा सामान कम मेहनत में बनेगा तो ये हमारे हाथ से बने सामान की जगह अपना सामान बेचेंगे सस्ता जनता खरीदेगी भी लोगों के बिजनेस लॉस होंगे और धीरे धीरे ब्रिटिश अपना काम करते जाएंगे ये पॉलिसी कंटिन्यू रही तो कुछ चीजें जो है यहाँ पे ध्यान ईस्ट इंडिया 1599 में ये उसका उसका था, था। सबसे पहले जो company थी उसका वो था, नाम था। उसके बाद हुआ, फिर फाइनली 1600 में दिसंबर में इसे कर दिया गया क्या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी एक चार्टर इश्यू हुआ क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू जो ये कहती है कि भैया इनको अन्य लाइसेंस दे दिया है ना राइट right. लाइसेंस देने के बाद बोला कि इस इंडिविजुअल की सर रो या सर टॉम सरो हिंदी में को, हमारे साहब थे वो बुलाते थे सर टॉम सरो और हिंदी में लिखा भी यही होता कई जगहों पे तो वो पहले थे जो जहांगीर के कोर्ट में पहुंचे जहांगीर के कोर्ट के बाद फिर इन्होंने एक्सपांशन शुरू किया और फिर धीरे धीरे करके ये मैनिपुलेशन दूसरी चीजों के थ्रू और दूसरी जगह लगाई और उसके बाद जो लुई पोरीन का टाइम था उस टाइम पे जो uh, फ्रेंड्स थे उन्होंने भी अपना वो किया एक्सपानशन किया उन्होंने भी सूरत में 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई और फिर धीरे धीरे डुपले आया इसका नाम डुप्लेक्स मत ले लेना ये डुपले है थोड़ा फ्रेंच है और ये वो पर्टिकुलर बंदा है जिसके कारण एंग्लो फ्रेंच यानी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच की, की लड़ाईया हुई और अल्टीमेटली फ्रेंच उसमें हार गए तो ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है ठीक है यहां तक कोई डाउट तो नहीं है एनी वन ओके प्रांजल हाँ बहुत ज्यादा उनका रोल नहीं है बेटा अपन भी ये वाले हिस्से से क्वेश्चन कम ही आते हैं जो मेजर नाम है उन्हीं पे क्वेश्चन पूछे गए तो अपन उन्हीं पे बात कर रहे हैं आई गेस यहां तक कोई डाउट नहीं है आ, मिस्टी बेटा ओल्ड नेम पूछा तो नहीं जाता है अभी तक कहीं पूछा नहीं गया एक दो को छोड़ के, बड़े बड़े के छोड़ के, बट, आ, मिल रहा है ईस्ट तो इंडिया कंपनी ने है ना बहुत बिगाड़ा है भाई इसका हिसाब किताब लेने बैठेंगे ना तो ये आ, वो हो जाएंगे फकीर हो जाएंगे यस मतलब आ, अगर मैं शशि थरूर की मानू तो उनका रिसर्च मैं उनसे बहुत जलता हूँ ईमानदारी से दो रीजन है पहला उस आदमी की इंग्लिश बहुत अच्छी है अपन बहुत कमजोर है उसके कंपेरिजन में ठीक दूसरा उसका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा उसने वर्ल्ड इकोनॉमी सेवन ट्वेंटी एट परसेंट के आसपास होता था जब ये गए तो लेस देन वन परसेंट हो गया कहा गया सब राइट right. कहा गया सब राइट right. रीजन कौन है ये कंपनी कहा गया कंपनी तुम साला कंपनी लोग हमारा पूरा वेल्थ ले गया ये है कहानी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के उसमें जाते हैं कि अब ये किस किस तरीके से चीजें होंगी कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखेंगे एक 1756 और 1757 का है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है जो पूछे जाते हैं और एमपीसी ने आई गेस चार पांच बार पूछा इसको अलग अलग तरीके से कई बार ये भी पूछ ली एक बार तो एमपी सीजन डायरेक्टली तो ये नहीं पूछा बट एक एग्जाम एक ने ये भी पूछा था कि 1857 का रिवोल्ट कौन से बैटल के सौ साल बाद हुआ था कौन से बैटल की हंड्रेथ एनिवर्सरी थी तो ये भी पूछता है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कुछ फैक्ट फाइल ध्यान रखेंगे सबसे पहले अपन कर्नाटक का जो एरिया था कर्नाटक एरिया था उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहला कर्नाटक वॉर जो है वो फ्रेंच इंग्लिश के बीच में कब स्टार्ट हुआ था अपने 1742 में फिर जो चापल की ट्रीटी थी उसको किया गया और फिर उसके बाद दूसरा कर्नाटक वॉर शुरू हुआ फिर लड़ाई हुई फिर तीसरा हुआ ये करते करते अल्टीमेटली ये समझ में आया कि जो फ्रेंच हैं उनकी पावर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्या हो गई कमजोर हो गई तो ये ब्रिटिश सुप्रीमेसी की तरफ या ब्रिटिश डोमिनेंस की तरफ सबसे पहला स्टेप था कि जो बॉन्डी बौन, वॉश का वॉर था उसके बाद ये समझ में आना शुरू हो गया कि ये ऐसा है ये ऐसा है कि पे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, उन्होंने काम भी यही किया एक राजा को दूसरे राजा से भिड़ाया, एक राजा 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 को को दूसरे से भिड़ाया, बोला मैं सपोर्ट सपोर्ट करेगा, जब सपोर्ट हुआ, वॉर हो गया, तो उनको समझ में कि इसके आर्मी कैसे किया। बंगाल है ना इसका ध्यान रखना बैटल ऑफ पलासी एज द मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फेज क्योंकि भैया बंगाल को ध्यान से देखो वो आज वाला बंगाल नहीं है वो पूरा बंग्लादेश बंगाल आधा झारखंड आधा बिहार आधा छत्तीसगढ़ थोड़ा उड़ीसा इन सब का एरिया कुल मिला के होता था सबसे बड़ा स्टेट था सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड थी अच्छी खासी पॉपुलेशन थी सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा उसमें वेल्थ थी तो एक बात बताओ जो सबसे वेल्थी सबसे अच्छा फर्टाइल लैंड है एग्रीकल्चर लैंड है अगर मैं मैं वो जीत तो क्या एक मेजर सेंस में मुटे -मुटे में मोटे मोटे हिसाब सबसे बड़ा हो गया जो बाकी बचे कुछ यही तो अपन देखते आए हैं कि कोई एक छोटा सा स्टेट जब बड़ा हो जाता है तो वो धीरे धीरे अपने साथ मिला के एक बड़ा में क्रिएट हो जाता वही यहाँ पे देखने को मिलती so, 1757, ना? और फिर अलग अलग चीजें हुई एक जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी लोगों को एक हरे कमरे में छोटे कमरे में बंद करके रख दिया गया था तो दम घुटने के कारण उनका डेथ हो गया था इसके बाद फिर और रॉबर्ट क्लाइव इन लोगों के बीच में जो है वो थोड़ा बहुत वॉर हुआ फिर सिराजुद्दौला जो है उससे हार जाते हैं और उसके बाद अपना बंदा वहां पे बैठाया जाता है फिर वो भी चढ़ जाता है। उससे भी लड़ाई होती है अल्टीमेटली में बक्सर के बाद दिल्ली पूरा सॉरी बंगाल पूरा अपना हो जाता ब्रिटिशर्स का ठीक है सो so, ये कहानी आई और इस कहानी के बाद फिर बाकी चीजें होना शुरू हुई धीरे धीरे करके वही वजह जैसा कि कहा गया ये लिखा हुआ है कि एम्पर ऑफ डेली कहा गया द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मीर कासिम काम्पर ऑफ डेली नवाब सुजाउदौला Ever defeated in battle of on 1764 ब्रिटिशर्स तो की पावर की ग्रोथ हुई उनके फाइनेंस की ग्रोथ हुई और वो अल्टीमेटली सबसे सुप्रीम बन गए क्योंकि सबसे बड़ा रिच स्टेट उनके हाथ में आ गया मूविंग ऑन फिर उसके बाद मैसूर का एरिया था जिसे उन्होंने जीता हैदर अली यहां पे थोड़ा सा तुम्हें देखने की वो है समझने की बात है जैसे ही मैं तुम्हें बता दूं हैदर अली एंड इंग्लिश के बीच में 1776 में में फर्स्ट मैसूर वॉर स्टार्ट हुआ जो 1769 खत्म हुआ इसमें राइट इंग्लिश इंग्लिश जो थी वो हार गई थी तो इसके बाद से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है सेवनटीन वाला पार्ट कि इसके बाद कंपनी जो है या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको ये समझ में आया कि दे आर नॉट द एनी टाइम एनी वन विद स्ट्रैटेजी कैन बिकम सवा शेर as वेल well. ठीक है सो so इन्होंने ब्रिटिश जो क्राउन था एडमिनिस्ट्रेशन था उससे हेल्प मांगी फाइनेंशियल हेल्प भी मांगी बोला भैया बहुत सारे वॉर हो रहे हैं कमजोरी आ रही है पैसों में पोस्ट के फॉर्म में भी हेल्प मांगी और इसी टाइम पे जो कंपनी के थ्रू होने वाली रेगुलरिटीज थी करप्शन थी उनकी रिपोर्ट भी कहा मिल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल रही थी ब्रिटिश एमपार को मिल रही थी तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1769 के बाद 1773 आता है जो रेगुलेटिंग एक्ट का टाइम है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन में वो पहला एक्ट माना जाता है और फिर वहीं से हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन को पढ़ना शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं 73, 91, फिर उसका फिर अपने आ जाता है 51 वाला फिर 58 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 61 91 है ना फिर 1900 में 1909 में आता है मोहलमेंट टू 14 1919 में आता है फिर 1930 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है राइट तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन है है ना वो भी धीरे-धीरे क्या होता है इवॉल्व होना शुरू होता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड जब पॉलिटी वाले पार्ट में थोड़ा सा आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में आएंगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें अपन डिस्कस करेंगे बाद में हैदर अली के साथ दोबारा वॉर हुआ और उसमें उसको हार जाता है उसकी मौत हो जाती है तो मैसूर भी अल्टीमेटली कहाँ हो जाता है उनके साथ आ जाता है फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टीपू सुल्तान का नाम दूसरी चीज़ों में आता है कि टीपू सुल्तान ने भी लड़ाई की वगैरह वगैरह किया इस पर थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी होती रहती है बीच बीच में तो इसलिए नाम जो है कंटिन्यू आता रहता है तो मेक श्योर थोड़ा सा उसके बारे में नोट्स बना ले आगे बढ़ते हैं मराठास एंड सब्सिड है ना ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है।, है वो खत्म मान लिए जाते हैं कि अब कोई नहीं है जो इनको क्या कर सकता है सप्रेस कर सकता है और वो अल्टीमेट सुप्रीमेसी का जो गेन है ब्रिटिशर्स का वो भी माना जाता है चूंकि मराठा जो समय के सबसे स्ट्रॉग एम्पायर है मराठा जो साम्राज्य मजबूत माना जाता था उसने भी घुटने टेक दिए मतलब हो गया तो ब्रिटिशर्स का एग्जैक्ट सेंस में जो पावर गेनिंग है 1757 से चलती है और एंड होती है 1820 के आसपास जब मराठास की पावर क्या हो जाती है कमजोर हो जाती है राइट और फिर उसके बाद उनके अपने सिस्टम थे सब्सिडियरी अलायंस थे दूसरी चीजें थी कि भैया तुम हमें थोड़ा बहुत टैक्स तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे अपना एक सचिव बैठा देंगे जो तुम्हारे जो भी प्रॉफिट शेयर है जो दूसरी चीजें हैं वो देखता रहेगा तुम अपना काम करो हम कर रहे होता हमें से मतलब है 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 पैसा चलने दो राइट तो वो जो है, वो जो पॉलिसी इसके बाद आई मिस्टिक कहना है, मीर मीर का सन इन लॉ कासिम था हाँ बेटा राइट यस आगे बढ़ते हैं सो मराठास के जाने के बाद पेशवा बाजीराव के जाने के बाद मराठास कमजोर हुए मराठास डिमोलिश हुए और सब्सिडी रिलायंस जैसा सिस्टम भी उस टाइम पे पैरेलली आ चुके थे कि भैया आप एक काम करो सॉरी कि आप अपना काम चलाओ मैं अपना काम चलाता हूं जो क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आता है द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ज्वाइन दब्सिडी लाइंस बॉज निजाम ऑफ हैदराबाद हैदराबाद के जो निजाम था वो सबसे पहले उस सब्सिडी लाइन्स में ब्रिटिशर्स के साथ क्या हुआ ज्वाइन हुआ फिर उस... <coughs> इसी टाइम पे आपको रेयत वाली सिस्टम है ना जब्ती सिस्टम वो राय बहादुर राय ऐसा कुछ करके टाइटल्स ये सारी चीजें देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा नहीं आती बट ये क्वेश्चन आया हुआ है तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया राइट

ना हेस्टिंग्स हैं बेंटिक है और चार्ल्स मेटलेफ मैट, है या डलहौजी है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके टाइम के जो वर्क थे या इनके टाइम के जो मेजर इवेंट थे किसी को प्रेस का क्या होता है लिबरेटर माना जाता है किसी को सोशल रिफॉर्म के, के लिए जाना जाता है जैसे विलियम बैंटिक है किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए जाना जाता है जैसे डलहोजी है यह आदमी एक साइड पीडब्ल्यू बनाता है एक साइड अच्छे काम करता है दूसरे राजाओं के राज्य जो है वो हड़पना शुरू कर देता है सो तो ऐसे कई पर्टिकुलर अलग अलग मेजर इवेंट हुए हैं इनके टाइम पे तो इनके काम या इनके दौरान के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं ये आपके नोट्स में होना चाहिए मैं अभी बैठ के सब बताने के मूड में नहीं हूं क्योंकि ये लंबा खिंच जाएगा आप एक बार नोट्स बना लेंगे तो नोट्स बनाने के साथ ही आप क्या कर लोगे उसको प्रॉपरली पढ़ लोगे राइट right, इसके बाद शायद हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में जाने वाले हैं तो यहां तक सब सेट है यहां तक कभी अभी यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है सुनी या आई डू दैट बट अभी अपनी वो चल रही है ओके okay, सो so, उसके बाद में ले लूंगा थैंक यू फॉर योर कंसर्न सो आई गेस कोई डाउट नहीं है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं ओके चले आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं क्या कहानी है रिलीजियस रिफॉर्म्स ये आ, अगर इनको ध्यान से देखा जाए इस पर्टिकुलर चीज को तो आपको समझ में आएगा कि ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया हुआ सबसे अच्छा बदलाव था या अच्छी चीज थी और साथ साथ ये आ, इन बदलावों को लाने के लिए हमें ब्रिटिशर्स की तरफ से जो भी पॉलिसी मेकिंग दूसरी चीजें हुई जो हमारे रिलीजियस रिफॉर्म के लीडर्स थे उनको थैंक्स भी बोलना चाहिए कि कुछ हद तक ये सही बट हमने अपने ऑर्थोडॉक्स नेचर को कुछ बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी सोशल प्रैक्टिस इनह्यूमन सोशल प्रैक्टिस को क्या किया कम किया या बैन किया या बंद किया राइट right? तो उन्हीं की कहानी है उसी चीज की अपन कहानी सुनने वाले हैं जरा आते हैं सबसे पहले हैं राम मोहन रॉय या राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्म समाज इनको हम बुलाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया इनको बुलाते हैं हम फादर ऑफ इंडियन इनको बुलाते हैं हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशल सिस्टम ऑफ इंडिया कई ऐसे टाइटल दिए जाते हैं क्योंकि ये सबसे पहले सबसे बड़े लीडर्स में से एक है जो उठ के आए जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में क्या की बातें की है ना ही वॉज द वन हु फाइट फॉट अगेंस्ट दि सती सिस्टम कुछ किताबें हैं हिस्ट्री की अच्छी जो कहती हैं कि लगभग इन्होंने चार पांच सौ महिलाओं को आ, सती होने से बचाया सती अ क्रूअल प्रैक्टिस इन इंडियन सोसाइटी की जब किसी महिला की पति की डेथ हो जाती थी तो महिला को भी उसके साथ जला देते थे दैट वॉज वेरी इन ह्यूमन इमेजिन कमिंग टू योर क्लास रूम एंड लिसनिंग टू समन शाउटिंग वेरी बैडली क्योंकि उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है सो दिस गाय केम द पिक्चर एंड अ बिग फैन ऑफ हिम लाइक अनफर्चुनेटली uh, like, अपने एजुकेशन uh, सिस्टम में इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया जाता मैं आपको बता दू जब सती सिस्टम का इन्होंने बचपन में विरोध किया था तो इन्हें बोला गया कि uh, ये धर्म की किताब में लिखा हुआ सो ही डिनाइड एक्सेप्टिंग एनी पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए uh, text की, ऐसा तो किसी धर्म में नहीं लिखा हो सकता सो वॉट स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द रिलीज विथ प्रॉपर ऑथेंटिक टेक्स एंड लैंग्वेज आप यकीन करोगे जीव कल्चर के बारे में पढ़ने के लिए इन्होंने हिब्रू तक सीखी अरेबिक सीखी जिससे इस्लामिक कल्चर पढ़ा जा सके संस्कृत पाली प्राकृत कई ऐसी थी जो इनको आती थी और इन्होंने हर रिलीजन को ऑथेंटिक लैंग्वेज में पढ़ा एंड ही रियलाइज दैट एवरी रिलीजन इज गुड द पीपल हु मेड द प्रैक्टिस आर समवन जिनको शायद नहीं पढ़ना चाहिए नहीं समझना चाहिए हमें है ना सो so इन्होंने समाज में चीजों को सिखाना शुरू किया और अल्टीमेटली सती सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई शुरू की और

वो उटली नेक्स्ट लेवल थे इन्होंने इन्होंने उस समय अच्छा के शायद सभी जरूरतों uh, जरूरतों को और future के साथ को और साथ करने वाली भी इन्होंने देखा। जैसे जिन्होंने दे में शुरू किया था। राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टार्टेड ऑफ थिंग नाम था उसका संवाद कॉमोदी क्या नाम था संवाद कॉमोदी इनको पता था कम्युनिकेशन का कितना स्ट्रॉन्ग वो बनता है आ, बेस बनता है जिससे आप अपनी पॉलिसीज अपने विचार रख सकते हो सो ही स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी कई लोगों को लगता है कि मराठा जो है तिलक साहब का वो पहला न्यूज़पेपर है किसी इंडियन के थ्रू नहीं उसके पहले भी आया था सबसे पहले इंडियन जिन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था वो कौन थे राजा राम मोहन रॉय ये क्वेश्चन इमेजिन uh, करो एन टी एस सी जैसे टेंथ लेवल के एग्जाम है और यूपीएससी तक वहां तक आया हुआ है और बहुत सारे लोगों को अभी भी इसके बारे में ज्यादा वो नहीं है ये थोड़ा सा बुरा है उसके बाद बात करते हैं प्रार्थना समाज की है ना डॉक्टर आत्माराम पांडोरंग राइट इन्होंने क्या किया जो ब्रह्म प्रार्थना समाज है उसको वो किया उसके बाद फिर एम जी रानाडे महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर जो है इन्होंने ज्वाइन किया फिर इन्होंने लोअर जो पर्टिकुलर तबका था सोसाइटी का उसके लिए काम किया आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती अ अ वल, अ रिबेल सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडियन और सेट अप हिंदू सेट अप। इन्होंने ही सबसे पहले वैदिक कल्चर को पढ़ के प्रमोट करना शुरू किया था और एक बहुत फेमस स्लोगन इन्होंने दिया था गो बैक टू वेदास क्या दिया था गो बैक टू वेदास नॉट लिखा हुआ कि भैया वेदों की ओर लौटो किसकी तरफ लौटो वेदों की ओर लौटो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और उन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया जिससे रिलीजियस एस्पेक्ट जो है वो चेंज कर सके कन्वर्जन दूसरी चीज होगा इनकी किताब का नाम पूछा जा चुका है दैट इज सत्यार्थ प्रकाश है ना और इन्होंने एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है 1866 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से आप डी के नाम से आते वो स्टार्ट किया था और फिर अलग अलग लेवल पे इन्होंने बड़े बड़े काम किए जैसा कि मैंने बोला आर्य प्रकाश जो है इन्होंने न्यूज़पेपर जो है वो भी स्टार्ट किया सो ही वॉज कंसिडर्ड एज अ रेबल क्या कहना चाहिए रिफॉर्मर क्योंकि इंडिया हिंदू पर्टिकुलर सोसाइटी में है जिस तरीके के नेगेटिविटी व्याप्त थी उसके अगेंस्ट उन्होंने रिबेल किया इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने कास्ट सिस्टम का विरोध किया इन्होंने चाइल्ड मैरिजेस का विरोध किया इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये गलत है किस तरीके से ये गलत है क्योंकि वेदों में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं हिस्ट्री आर्यस कैसी कहती सो ही वॉज वन ऑफ द वन जिनको आपको याद रखने की जरूरत है कभी आ, मौका मिले तो इनको पढ़ें भी ये बहुत ही अच्छे वो थे फिर बात करते हैं कि इसकी रामकृष्ण मिशन की और तो रामकृष्ण परमहंस और उनके जो स्टूडेंट थे विवेकानंद है ना जो अभी के टाइम पे आई गेस ऑलमोस्ट हर एक इंडिविजुअल जो इंडिया में रहता है उसके गुरु हैं और इन्होंने इनकी जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज की डेफिनेशन थी जिस तरीके से इन्होंने अपने विचारों को रखा जिस तरीके से धर्म और सोशल लाइफ को जोड़ा इन्होंने सन्यासी होने के बाद भी कभी माता जो उनकी थी उनका ध्यान रखना नहीं छोड़ा उनका खाना पीना उनका सारी चीजों का ध्यान रखा कई लोगों को वैचारिक शुद्धि के बारे में समझाया एक राजा के यहाँ थे ये बुलाया गया था उन्हें तो ये वहां थे और वहां पहुंच के इन्होंने खाना खाया फिर राजा जो है महिला का नृत्य देख रहे थे तो वो भी ऐसे करके बैठे हुए थे लोग ऑफेंड हो गए उन्होंने बोला आप सन्यासी हैं क्या कर रहे हैं तो उन्होंने बोला मुझे उसमें अपनी माँ दिखती है तो उन्होंने वैचारिक शुद्धि और पर्सनल थॉट प्रोसेस के एवल्यूशन पर काफी काम किया है ज्ञान योग कर्म योग इनकी बहुत ही फेमस किताबें हैं जरूर पढ़ें जब एग्जाम हो जाए फिर कुछ और भी हैं जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है राइट जो मैडम हैं या ब्लावासकी हैं उन्होंने स्टार्ट किया था बाद में इनमें इस पर्टिकुलर सोसाइटी का सबसे नेम नाम बन प्रॉमिनेट ने आईकॉन डॉक्टर आगे चल के वो भी बनी आ, क्या कहना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनी और उनके ही पर्टिकुलर उससे धीरे धीरे करके जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड दूसरी चीजें जो है मदन मोहन मालवीय बाकी लोगों ने उनके साथ ही काम करके स्टैब्लिश की और इसके बाद इंपॉर्टेंट है क्या मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट या अलीगढ़ मूवमेंट ये नाम एकदम अच्छे से याद कर लेना सर सर सैयद सैयद अहमद अहमद बात करें हम सर 1862, 63, 64 पहले इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस शुरू की फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया फिर इन्होंने कॉलेज शुरू किया जो आज के टाइम पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना जाता है फिलोसफी की स्टडी के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता है इन्होंने ही टेक्निकल टेस्ट इन दूसरी चीज़ों को सोसाइटी में मुस्लिम सोसाइटी में इन्वॉल्व कराया एंड ही वन ऑफ द बेस्ट वन जिन्होंने उस टाइम पे वो किया था राइट लेटर ऑन फिर धीरे धीरे ये मूवमेंट भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ बट अनडाउटली सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट थे वो इंडिया के शायद मॉडर्न टाइम के गोल्डन एज को या गोल्डन टाइम पीरियड को अपन देख सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें आईं जो इंडियन सोसाइटी को बहुत सालों से सदियों से जरूरत थी आर सम मेजर मूवमेंट्स और उससे रिलेटेड जुड़े हुए नाम नोट्स परफेक्टली है ना नोट्स कैसे सेट होते हैं भैया सबसे पहले होता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है नेम ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिर आता है फाउंडर फिर आता है फाउंडेशन का ईयर है ना फिर आता है स्पेशल काम जैसे अगर उन्होंने कोई किताब लिखी है उन्होंने कोई स्लोगन दिया है या उन्होंने कोई बड़ी स्टेब्लिशमेंट की जैसे मैंने बताया ना कि इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी सोसाइटीब्लिश की थी जो आज के टाइम पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको क्या करना है अपने नोट्स में लिखना है आगे बढ़ते हैं अब आ गया रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या आ गया रिवोल्ट ऑफ 1857 ध्यान से समझो कि ब्रिटिशर्स के आने से इंडियन सोसाइटी में कई बदलाव आ रहे हैं बदलाव नंबर एक राजाओं की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स स्ट्रांग हो रहे हैं राजा परेशान जनता परेशान क्योंकि जनता को पहले पुराने वाले उसकी आदत थी कि भैया कास्टिज्म है ये अछूत है ये इनटचबल है ये दूसरे धर्म का है ये मिलेक्स है उनको आप कह रहे हो भैया सब सेम है। हाउ डेर यू इंटरविनिंग माय रिलीजियस प्रैक्टिस सोसाइटी चेंजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा फिर जनता जब परेशानी लेके राजा साहब के पास जाती तो राजा साहब पहले से भाई सरेंडर कर चुके हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते साथ साथ कुछ ऐसे भी इवेंट रिकॉर्ड हुए जिसमें जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने हमारे राजाओं को थोड़ा थोड़ा इंसल्ट भी किया राजा गुस्सा जनता गुस्सा ये सब क्यों कर रहे, क्यों कर कर रहे रहे पा थे क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास एक बढ़िया वेल ट्रेन स्टैंडिंग आर्मी भी थी उन्होंने वहां पर भी क्या किया डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया लड़ाई की बारी आए इंडियंस अटैक प्रमोशन की बारी आए ब्रिटिशर्स अटैक तो बड़ा पद देते नहीं थे लड़ाई में हमें भेज देते थे ऐसी तो कई चीजें हुई जिस कारण इंडियन सोसाइटी में लोगों में एक असंतोष जो था, वो था और उसी का रिजल्ट हुआ 1857 का रिवोल्ट क्या हुआ 1857 का रिवोल्ट और एक तत्कालिक कारण था वो ए, क्या कहते हैं रॉयल एनफील्ड बोलो एनफील्ड राइफल वाली है ना कि भैया उसको जब कार्टिस्ट खोलना है तो उसको मुंह से फाड़ना पड़ेगा उसमें गाय की सुअर की चर्बी लगी हुई है और गाय और सुअर दो बहुत ही क्रिटिकल एनिमल है व्हेन इट कम्स टू एंड इस्लाम और यही तो दो मेजर पॉपुलेशन बनाती है हमारे देश की तो वो भड़क गए और सडनली मंगल पांडे आए उनसे बोला गया मंगल पांडे लेट्स शूट मंगल पांडे पांडेट नहीं साहब मैं पंडित आदमी हूँ मैं इसको नहीं फाड़ सकता मैं नहीं कर सकता तो कर दो गुना लगान देना पड़ेगा तब तो फिर उसने बंदूक निकाली तीन ऑफिसर्स निपटा दिए और तो भैया रिवोल्ट चालू हो गया ठीक है जो फिल्म में देखा है आपने भैया उसको यहाँ पे रिलेट मत करना हिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है फिर ये पे पे कुछ लीडर्स लिखे हुए हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों पे उस रिवोल्ट को लीड किया लखनऊ में बेगम हजरत महल थी कानपुर में नाना साहब थे दिल्ली में जो जनरल बख्ताम थे वो बख्त खान थे वो थे बिहार में कुंवर सिंह थे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी फरीदाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे बरेली के हिस्सा खान बहादुर थे बहादुर बहादुर हो गए तो है ना तो ऐसे कई लीडर्स थे जिन्होंने रीजनल लेवल पे उस रिवोल्ट को लीड किया ये कुछ प्रोमिनेंट नाम है जिनके क्वेश्चन आते हैं कि बताओ भैया बिहार में किसने लीड किया आपको पता होना चाहिए कि कुंवर सिंह का नाम है आपसे पूछा है कानपुर में 1857 का रिवोल्ट का लीडर कौन था आपको पता होना चाहिए नाना साहेब तो ऐसी कई चीजें हैं जो आई फिर ये जो वो था क्या कहते हैं म्यूटिनी या रिवोल्ट हुआ ये हुआ तो स्टार्टिंग तो वेल प्लानिंग की थी बट सडन जो ब्रेकआउट हुआ इसके कारण इनको प्रॉपर पूरा प्लान करने का टाइम नहीं मिला ऐसा बोलते हैं नंबर टू लीडरशिप थोड़ा सा क्रिटिकल थी क्योंकि तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा हिस्टोरियंस की तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड विक्ट्री की तरफ नहीं जाया जा रहा था बल्कि इस दौर की तरफ जाना जा रहा था कि कैसे मैं अपना रूलिंग एरिया ब्रिटिश से छुड़ा के इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाऊं तो कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा कमजोर था फिर ब्रिटिशर्स जो थे उनके पास एंड वेपन जो थे वो अच्छे थे ब्रिटिशर्स को इन चीजों के डील करने की आदत पहले से अच्छी थी और हमारे पास वेपन भी बहुत अच्छे नहीं थे और कोऑर्डिनेशन भी नहीं था लैक ऑफ लीडरशिप भी थी तो इस कारण से ये फेल हो गया बहादुर शाह जफर को इन्होंने क्या कर दिया था आज़ाद भारत का बादशाह घोषित कर दिया था अपन अभी बात कर चुके हैं तो जस्ट मेक श्योर कि अगर कभी क्वेश्चन आए किसे घोषित किया गया था डिक्लेयर किया गया था बादशाह तो दैट वॉज बहादुर शाह जफर ठीक है बोल, जैसा दिया हुआ है कि भैया फेलियर था लेकिन नेशनलिज्म की पेट्रोटिज्म की जो स्पिरिट है वहां से धीरे-धीरे और तगड़ी हुई मंगल पांडे का नाम आया हुआ है कि मंगल पांडे जो है बैरकपुर छावनी से उन्होंने ये चीजें की इन्हें पहला शहीद माना जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का तो ये भी कभी क्वेश्चन है तो ध्यान रखना मंगल पांडे का नाम लिखना है फिर यही सारी चीजें दी हुई हैं कि किस तरीके से क्या हुआ ये रीजन जो है वो सडन रीजन के बारे में बात करता है फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया बहादुर शाह जफ़र को बैठाया फिर फिफ्टी एट आते आते ये सारी चीजें हो गई वाइस रॉय बन गया और दूसरी चीजें नाउ द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल सर ह्यू रॉस सेड दिस अबाउट रानी लक्ष्मीबाई मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो ह्यू रॉस और रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई है इनके बारे में क्वेश्चन बन चुके हैं क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई एम से रिलेटेड हैं है ना दोनों से है, से भैया तो रानी लक्ष्मी की लड़ाई किस ब्रिटिश कमांडर से ब्रिटिश जनरल से हुई थी आंसर में आप लिखेंगे सर ह्यू रॉस मेक श्योर वन मोर थिंग कि जो फिल्मों में दिखाया गया है उससे कोई रिलेट नहीं करेंगे इससे इतिहास खराब हो जाता है आपका नॉलेज है ना और बहुत सारी चीजें उनका नाम मणिकर्णिका था ये तो आप जानते ही होंगे उन्हें मनु मनु कह के बुलाया जाता था और कई डिफरेंट चीजें इन्होंने क्या बोला था ह्यूरोस ने द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल्स 1857 के सबसे अच्छी और सबसे ब्रेव सबसे बहादुर जो मिलिट्री कमांडर थी वो कौन थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी अली रानी है राइट चमको सन संतावन की तलवार पुरानी है खैर पुरा कोई नहीं वो करेंगे फिर इसके बारे में <coughs> कई चीजें लिखी गई कई हिस्टोरियंस कई लोगों ने लिखे जैसे जो बेंजामिन डराइल थे उन्होंने बताया कि ये नेशनल राइजिंग थी वी डी सावरकर ने अपनी बुक में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला इसे और इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला 1857 पे एक और बुक लिखी गई है सुरेंद्र नाथ सेन एस एन सेन के थ्रू तो ये कुछ किताबें हैं जो सीधे तौर पर उससे रिलेट करती हैं उस रिवोल्ट से रिलेट करती हैं आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट द ग्रेट इंडियन नेशनल मूवमेंट मैं इसके आगे ग्रेट इसलिए लगाता हूं क्योंकि ये सच में ग्रेट था ये सच में ग्रेट था आई मीन थिंक अबाउट इट दुनिया ने पहली बार गुलामी से आजादी ली थी वो भी नॉन वायलेंस के थ्रू राइट right? गांधी जी इमेजिन हिज पावर हिज फॉलोइंग हिज क्या कहना चाहिए परसोना हिज एरा की भाई साहब और कि ये जहाँ पे होते होंगे जब ये समझाते होंगे नॉन वायलेंस कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉन वायलेंस के अगेंस्ट लोगों के पास कोई वेपन नहीं होते अगर मैं मेरे दोस्त लोग प्रोटेस्ट करना चाहें इमेजिन करो कि हम 2000 लोग हैं हम राष्ट्रपति भवन के बाहर जाके अनएम्प्लॉयमेंट पे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और हम शांति से बैठ गए कि हमें तो आश्वासन नहीं चाहिए हमें बिल चाहिए जब तक बिल नहीं मिलेगा एम्प्लॉयमेंट गारंटी का तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे क्या पुलिस हमें हटा सकती है नहीं हटा सकती क्या आर्मी हटा सकती नहीं क्यों हटाएगी भाई हम तो नॉन वॉयेंटली बैठे हुए और पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट तो हमें कौन मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन देता है तो ये जो कहानी थी नॉन वायलेंस का पावर दिखाने की उसके कारण मैं इसे द ग्रेट इंडियन नेशनल मूवमेंट बोलता हूँ नॉन वायलेंस और गांधी जी के अलावा दो तीन और चीजें थी जिसके कारण ये मूवमेंट ग्रेट हो जाता है पहला है रेवोल्यूशनरी आई मीन यू कैन नेवर फाइंड अ सिंगल हिस्ट्री मतलब सिंगल कंट्रीज हिस्ट्री जहां पे दो अलग अलग विचारधारा अपने आप को इतने ज्यादा रिस्पेक्ट से देखते थे भले मेथड्स अलग थे भगत सिंह की नजरों में कांग्रेस से उनको कभी प्रॉब्लम नहीं थी प्रॉब्लम थी उसकी बुजुर्ग लीडरशिप में राइट और उस चीज को एक्सेप्ट भी किया गांधी जी ने कि हाँ ये है तो फिर यंग लोगों को मूवमेंट में आगे बढ़ाया तो ऐसी कई चीजें हैं जो बहुत ही अलग है आ, बहुत डिटेल में तो नेशनल मूवमेंट अपन नहीं पढ़ सकते नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये क्रैश कोर्स है कभी स्पेशल क्लास वगैरह में अपन मिले और प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अलग मिले तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें जो है इसमें वो करूंगा थिंग इज़ कि मुझे पढ़ाने वाले वो लोग हैं या सिखाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने मूवमेंट जिया भी है उस मूवमेंट में पार्ट भी लिया है उस मूवमेंट के जो भी कॉन्सिक्वेंसेज और जो अच्छी चीज़ें थी जो आज़ादी के बाद आई उसको भी जीने वाले लोग हैं तो कभी मौका मिला अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी के टाइम पे आप समझ लो कुछ स्पेसिफिक फेजेस हैं

वसाइले की उस दौरान की जो अपनी वो थी कहानी थी फ्रीडम स्ट्रगल की वो अलग थी फिर 1919 जलिया वाला कोऑपरेशन ये सारी चीजें इन्वॉल्व करने ये ट्वेंटी है ये 1920 है ना है ना ये सारी चीजें आई फिर खिलाफत एन दूसरी चीजों के बाद होम रूल साइमन कमीशन कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जनगणमन आजादी वो बनाना क्या कहते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाना बहुत सारी चीजें हुई 1929 से 35 के बीच में सिविल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अल्टीमेटली 34 आरबीआई जैसी थर्टी फाइव पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये आया जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मदर डॉक्यूमेंट बना 35 से 45 के बीच में आपको क्विट इंडिया देखने को मिलेगा आपको वर्ल्ड वॉर देखने को मिलेगा क्रिप्स मिशन देखने को मिलेगा और इसी टाइम पे डिमांड होगी एक सेपरेट नेशन की फॉर मुस्लिम्स दैट इज पाकिस्तान वो भी देखने को मिलेगा 47 से 47 के बीच में आपको दो ऐसी आइडियोलॉजीज पे टकराव देखने को मिलेगा कि एक पूरी तरह से विभाजन या पार्टीशन चाहिए जिससे है ना उसके लिए चाहे जितना वॉयलेंस करना पड़े दूसरा एक ऐसी पार्टी है जो विभाजन रोकना चाहती है इसके लिए वो उस लीडर को भी गद्दी में बैठाने को तैयार है जिसका एंड वॉयलेंस हो रहा है बस पार्टीशन नहीं होना चाहिए वॉयलेंस नहीं होना चाहिए तो ये भी एक अलग कहानी है सो ये एक डिफरेंट फेज बनता है ये हो जाते हैं नेशनल मूवमेंट के जो कांग्रेस डोमिनेंट है नेशनल मूवमेंट का एक फेज वो है जो रेवोल्यूशनरी है right? राइट फेवरेट चैप्टर है रेवोल्यूशनरी मतलब इनको ये मानना था कि जितना अपन ब्रिटिशर्स को डरा देंगे वॉयलेंस के थ्रू उतना वो डर के जल्दी जाएंगे जिसमें तो कुछ बहुत शानदार फिलोसफर्स एंड रिवोल्यूशनरी लीडर आए एक किताब पढ़ी मैंने जिसमें उन्होंने रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का नाम दिया तो जब उसके राइटर को मैंने मेल किया था तो उसने रिप्लाई किया कि ये टेररिज्म जो है ब्रिटिशर्स के लिए था हालांकि उन्होंने बात बना ली बट ठीक है रिवोल्यूशनरीज का अपना वो था भगत सिंह जैसा फिलासफर आइडियोलॉजी जिस तरीके की वो रखते थे उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है चंद्रशेखर आज़ाद हैं अशफाक साहब हैं राम प्रसाद बिस्मिल हैं उधम सिंह हैं बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा वो नहीं है किताबों में अपन उनके सारे नाम देखेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बता दूंगा तो आपका काम ये होगा कि आप बाद में उनके बारे में रखें अगर आप यूपी यूपीपीसी बिहार वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सो so ये दो अलग अलग फेजेस हैं जो चलेंगे अपन दोनों को डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी में आज बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आज के लिए अपना इतना ही है इन द नेक्स्ट सेशन वी विल हैव लाइक प्रॉपर नेशनल मूवमेंट सो भैया सबसे इंपॉर्टेंट जो डफरिन लॉर्ड डफरिन के पीरियड में काम हुआ था वो ये हुआ था कि कहा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था

धीरे धीरे करके इस कांग्रेस को अपन समझेंगे एंड कांग्रेस टर्म जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री से आया था कांग्रेस मीन असेंबली ऑफ पीपल दादा भाई नरौजी इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्योंकि ये उस टाइम पे बहुत बड़ा नाम है इन्होंने कई अलग अलग जगह अपनी मेंबरशिप वो की थी और आई गेस uh, दादा भाई नरौजी वॉज वन जिन्होंने कांग्रेस नाम भी दिया था और फिर उनका जो भी एसोसिएशन है जैसे ये हुआ था बिकम द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स इन द लाइब्रेरी लिबरल पार्टी टिकट इंडिया के पहले वो थे भारतीय थे जिन्होंने पार्लियामेंट uh, देखी पार्लियामेंट में मेंबर बने तीन बार ये प्रेसिडेंट भी थे एटी सिक्स नाइनटीन में इन्होंने ज्ञान प्रकाश मंडली एंड बॉम्बे एसोसिएशन जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट की थी और इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स भी कहते हैं ये अपन अगली बार वो करेंगे कि क्या कहानी है फादर ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स की So, ये है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी आउटलाइन नहीं ग्रेट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की पूरी की पूरी आउटलाइन इस पर अगले दो दिनों में अपन पूरा इस पर डिस्कशन और डिबेट करेंगे ठीक है सो ये है आज का कंटेंट यहां तक किसी कोई डाउट है एनी वन आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं या कमेंट या चैट बॉक्स जो कमेंट बॉक्स है चैट बॉक्स उसमें लिखने में आलस आ रहा है

है ना और औरडमी जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट भैया फरवरी सुबह ग्यारह आई होप अभी तक आपने रजिस्टर करा दिया हो क्योंकि आपको बहुत सारे प्राइजेस दूसरी चीजें मिलने वाली हैं वो आपको पता ही है अन अकेडमी पे रोज फ्री लाइव क्लासेस होती हैं स्पेशल क्लासेस होती हैं है ना मेक श्योर sure की आ, डेली स्पेशल क्लासेस जो है उसको लेते रहें This is good for you guys as well. GK मैं लेता हूँ, बाकी जो मेजर लॉज मायने लॉज है उसको मेरी टीम उठाती है शोम सर है देवाशीष सर हैं, अजिता मैम हैं, ये वो करते हैं एंड ये उसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं एंड बिफोर वी गो कुछ कॉमेंट्स लेते हैं सो लिस्निंग ओके थैंक यू परिधि एंड uh, मिस्टिक कहना है कि सर एमपी के हिसाब से uh, हमें डिटेल में पढ़ना होगा या ब्रीफ में बेटा एम पी के एग्जाम के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानी मैंने भी यही बोला ना है ना कि मैं क्या करूंगा मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा आई विल मेक श्योर कि तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जिससे तुम यूपी पीसीएस और बिहार वाला पॉइंट समझ पाओ लेकिन वो पूरा का पूरा जो दो दिन का क्लास होगा दो दिन का अपना सेशन होगा वो पूरा एमपीसीजे से रिलेटेड सेंट्रिक होगा ठीक है सो so, इसमें लोड नहीं है इसमें टेंशन नहीं लेने का ओके, okay, uh, प्रांजल मजा आ रहा है कंटेंट दैट वीड इन डिस्कस टुडे इन आर और रॉन्ग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसे रिपोर्ट करें मैं और आप साथ में ग्रो करेंगे ऐसी गलतियों को सुधार के एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड एंड इफ यू लाइक द कॉन्टेंट Uh, जो, जो हमने डिस्कस किया तो वीडियो को लाइक करें जुडिशरी वर्ल्ड के टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इफ यू फील कि ये जो पर्टिकुलर uh, वो है uh, वीडियो है जो डिस्कशन है वो आपके किसी दोस्त को भी जरूरी है पढ़ना या देखना क्योंकि वो भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है तो उसके साथ शेयर भी करें और उसको भी बोलें कि सब्सक्राइब करें राइट दिस इज इट फ्रॉम माई साइड हैव अ ग्रेट डे आड आई विश यू एंड ऑल यू वन अ गुड हेल्थ अ गुड मेंटल हेल्थ Uh, अपना ध्यान रखें कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करें जल्द से जल्द वैक्सीनेटेड हों दूसरों को भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने का बोलें जिससे एग्जाम्स में डिले ना हो और आप जल्द से जल्द जज बन पाए और हम राइट right, गर्व से अपना सीना चौड़ा करके कह पाएं कि आप और मैं साथ में पढ़ते थे राइट डिस्कशन इज लाइक दैट थिंग ना चले मिलते हैं थैंक यू अंकित थैंक्स फॉर योर सपोर्ट बडी आई होप कि मैं आपके इस तरीके के प्यार आपके इस तरीके के रिस्पेक्ट के थ्रू मैं और अच्छा करूँ दिन ब दिन मिलते हैं दोस्त